आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीयत उल मंसूर ने किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। गंगा में डूबे 3 छात्र, सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिले छात्र, एसडीआरएफ की टीम जुटी जांच में। सिपाही की काली करतूत आई सामने, बाइक सवार युवकों ने किया विरोध, सिपाही ने युवक को चलती बाइक से घसीटा। युवक को दूसरी शादी करना पड़ा भारी, नाराज परिजनों ने किया युवक की जमकर पिटाई। नाले के अंदर मिला युवक का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा में जमीयत उल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी बब्बू मंसूरी ने आज अपने आवास पर बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का पुतला फूंका है और खुद को गोडसे का समर्थक बताया। उन्होंने प्राइम टीवी संवाददाता मोहम्मद तौफीक से बातचीत करते हुए कहा कि दानिश अली के द्वारा टीपू सुल्तान के मकबरे से जो वीडियो जारी किया गया था, हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। सांसद दानिश अली द्वारा दिया गया बयान गोडसे के बारे में बहुत गलत है। हमारी आशा, हमारी पार्टी की आशा या हमारे पार्टी का सिद्धांत गोडसे जी हैं, और अमरोहा सांसद जी का जो बयान है, मैं तो कहता हूं प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी आशा किस में वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग किसी के बारे में कुछ भी कह दोगे तो मेरी समझ से तो बाहर है। आप गोडसे के समर्थक हैं? हाँ, मैं गोडसे का समर्थक भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी हूँ। मैं सबसे पहले अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में कहना चाहूँगा। देश की विकास के बारे में अगर कोई बाधा है, अमरोहा खबर बताई कि ओझानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कछला गंगा घाट का है, जहां पर कल 5 छात्र डूब गए थे, जिनमें से 2 छात्रों को सकुशल बाहर निकाला गया, बाकी 3 छात्रों की तलाश जारी है। वहीं देर रात पहुंची SDRF की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। खबर बुलंद शहर से है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को कुचल दिया है। बता दें कि शिकार होने वाले 3 युवक कोतवाली देहात क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। शाम 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि थाना औरंगाबाद क्षेत्र में एक बाइक और कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। कंटेनर और कंटेनर के चालक को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के थाना दशर क्षेत्र हुमायूंपुर में नाले के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर युवक के शव को नाले से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों ने हत्या का शक जताया है। राकेश उपाध्याय। राकेश जी, आज एक हिमावपुर नाले में एक बच्चे की बॉडी मिली है, आपके परिवार का था? हाँ, हमारा भतीजा है। क्या नाम है? शिवम उपाध्याय जी। कब से गायब था क्या? ये 9 तारीख से करीब 10:30 बजे से, उसमें CCTV में बैरिजॉन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो हमने देखा है, जब हमें मालूम पड़ा कि ये घर नहीं आया तब हमने पुलिस ये जाँच की हमने अपने स्तर से। कब से, कितने दिन हो गए? ये करीब 10 दिन हो गया। फिर उसमें आप थाने में शिकायत विकायत की आपने? हम हर जगह दर दर भटके हैं, हर जगह गए हैं। हम कोई हमारा बच्चा भतीजा है तो हम तो जैसी बात है।
सर आज कैसे आज क्या आज ये आपका ये कौन सी जगह है? हिमालपुर नाले पुलिया से हटे एक लिए। अच्छा ये बॉडी आ रही है कहाँ से आ रही है कैसी कुछ मालूम? कावी नगली की तरफ से होते हुए आशा हटे हुए गली के सामने नाले पुलिया का। अच्छा ये बॉडी किसी महिला की है जेंट्स की है? जेंट्स की। कितनी पुरानी बॉडी मालूम पड़ रही है? एक दो दिन पुरानी लग रही है जी। तो अभी आज सुबह देखा तो यहाँ जाम लग गया, मतलब कूड़े की वजह से जाम लग गया है। तो अभी देखा लोगों ने तो पुलिस को सूचना दी गई है, तब आगे पता पड़े समझाइए देखते हैं क्या होता है। अभी निकली नहीं है? नहीं अभी नहीं है। प्रयागराज के सराय मरमरेश थाना क्षेत्र के कुंदौरा महादेव मंदिर परिसर में कवरेज के लिए जा रहे पत्रकार के साथ पुलिस के सिपाही और दरोगा ने अभद्रता की और पत्रकार के साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। वहीं मौके पर पहुंचे जेसीबी हंडिया और एसडीएम सार्थक अग्रवाल से जब पत्रकारों ने इस मामले पर कार्रवाई के लिए पूछा तो एसडीएम साहब ने गोलमोल जवाब दिया, जिसमें स्थानीय पत्रकारों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। रायबरेली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन मंत्री के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर चालान काटे जा रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने रियलिटी चेक के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची तो वहां पर खड़ी अधिकतर गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिली है, लेकिन इन पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई। इसे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि रसूखदार रहम गरीबों पर सितम ए साहब, ये ठीक नहीं है। देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर के जो भी आदेश जारी हुए हैं उसके बारे में हम लोगों की बैठक और मंत्रणा वो परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हो गई है और उन्हीं ग्राउंड्स पे ट्रैफिक के जो हमारे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए एनफोर्समेंट का ड्राइव भी शुरू कर दिया गया है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक में एक अवेयरनेस भी इसके लिए आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा के ही गाड़ियां चलाएं। जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है। खबर रायबरेली से है, जहां सलून कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास एक पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि पुलिसकर्मी अपनी प्रेमिका के साथ बीच सड़क पर इश्क फरमा रहे थे, जिसका विरोध बाइक सवार युवक ने किया तो सिपाही ने चलती बाइक से युवक को नीचे घसीट लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पहली पत्नी के रहते युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि युवक की पहली शादी 2013 में हुई थी और उनके दो लड़के भी हैं, लेकिन पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए युवक ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी की विदाई कराने गए युवक की नाराज परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। आपका नाम क्या है? सुभाष। कहाँ रहते हैं? नागेश। क्या मामला हुआ है? मामला सम्मेलन से शादी हुई, बहुत गरीब घर से थे, पांच छह बेटी थी, वो सम्मेलन से आज ही शादी हुई और बस विदाई के लिए बुलाया और देवर वेवर छीन लिया। सब लोग वहाँ थे। किसने छीना? घर लड़की के घर वाले सब, माँ बहन भाई पिता। अब हम लोग ये तो डर के मारे इधर उधर हो गए, अब हम दो औरतें क्या करते? सबसे ज्यादा लड़की के पापा, लड़की की माँ और लड़की। तो किसने मारा बेटा? भैया हम देखा नहीं। अन्नू नाम के लड़के ने मारा। अन्नू नाम के लड़के ने मारा। हाँ, और वो उनका रिश्तेदार। आपका नाम क्या है? सुमन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर पैदाइशी तो मुसंडी गाँव उन्नाव जिला और लखनऊ से हमारी शादी हुई। जिनको चोट लगी है आपके कौन है? हमारे भाई। आपके भाई हैं? हाँ। क्या घटना हुई है? ये घटना आज वाली घटना बताए, आज वाली घटना देखो, हमारा भाई केरल में था, परसों आया है, कल कहीं जल्दी शादी करो मंदिर से। तो हम लोग कल खरीदारी सुनार थे, 11:30 तो हम आए हैं। अरे भैया सुनार थिया से आए हैं, फिर उसके बाद आए हैं तो कहीं सुबह दोपहर में शादी और शाम की विदाई, और सुबह दोपहर में शादी हम लोग बोले। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है, पूनम पत्नी दुर्गेश कुमार। कहाँ की निवासी है? ग्राम ममई में। क्या मामला हुआ है आज? मामला ये है कि हमारे पति दुर्गेश कुमार हैं, मतलब ये दूसरी शादी ग्राम पठान गांव पोस्ट कन्नामा थाना बछरावा जिला रायबरेली से कर रहे हैं, जबकि हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़की है 10 वर्ष की और एक लड़का है 3 वर्ष का,
जबकि अभी हम लोगों का कोई तलाक नहीं हुआ है। अभी एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं, जिसका जिसके लिए हम खुद वहाँ पे मतलब हम पुलिस कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की है। शादी कर रहे तो आपने क्या किया? अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।